जैसे सज्जाद को शेयर करें, जिनका भी दुर्गा शक्ति का विधान होता है बागपुर में, उसके बाद आने वाले जो 25, 26, 27, 28 को हुआ वहाँ पर पटवारी गवर्नर पटवारी या जो हमारा ग्राम सचिव का एग्जाम रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए बाबर के बाद बात करता हूँ दोस्तों, बोला हमारा रहेगा हुमायूं, क्योंकि हम सीरियल वाइज चलेंगे। बाबर के बाद हुमायूं आना, हुमायूं के बाद अकबर का हम जिक्र करेंगे। तो हुमायूं हुमायूं के बारे में ज्यादा कोई भी बात नहीं देखने को मिलती, लेकिन पुराना किला इसने बना था दोस्तों, एक पुराना किला है दिल्ली के अंदर दोस्तों, पुराना किला जिसमें की दीप बना पुस्तकालय था दोस्तों, इसीलिए उसे गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ये दिल्ली के अंदर आया। इसके अंदर क्या दोस्तों दीप बना पुस्तकालय है, दीप बना पुस्तकालय बहुत बार पूछ रहा था यहाँ से क्वेश्चन कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई है, दीपना पुस्तकालय कहाँ पर है, तो दीपना पुस्तकालय हमारा पुराना किला किला दिल्ली के अंदर रहेगा दोस्तों, ठीक है, दीपना पुस्तकालय यह हमारा रहेगा दिल्ली के अंदर। और हुमायूं के दौरान दोस्तों दीपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई थी, क्वेश्चन तो एसएससी होता है फिर एसएससी और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार हमारे पेपरों में देखने को मिलता है। उसके बाद फतेहाबाद की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद देखिए फतेहाबाद हरियाणा का शहर है दोस्तों, जिसको भी पुरातत्व ने बसा था, फतेहाबाद की मस्जिद तो आप नाम से इसी में क्या दोस्तों, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर अंदर है हरियाणा, फतेहाबाद की मस्जिद को भी हिमाचल ने बनवा था। ये फतेहाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है दोस्तों हरियाणा का, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था बिल्कुल, यहाँ पर उस विधेयता की फतेहाबाद और हिसार दो नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी, तो फिरोजशाह तुगलक ने, बिल्कुल दीप्तपुर को सराहता दोस्तों इसी तरीके से लैंग्वेज में, और फतेहाबाद की स्थापना की बात को दोस्तों अपने पुत्र फतेह खान, देखिए जो हमारा फिरोजशाह तुगलक है युद्ध जीत कर दोस्तों वापस लौट रहा था, जब वो हरियाणा के फतेहाबाद के नजदीक या फतेहाबाद के जो जो इलाका वहां पर पड़ता था उसके नजदीक पहुंचा, तो दोस्तों क्या है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, दिल्ली से संदेश आया कि आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उसने अपने पुत्र और फिर जीत की खुशी जश्न में दोस्तों फतेह खान के नाम पर अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद जिले की युवती जो आजकल है हरियाणा का जिला दोस्तों फतेहाबाद। उसके बाद अगला दोस्तों शेरशाह का आइन, देखिए शेरशाह का आइन से अलग पड़ता है, लेकिन शेरशाह से भी दोस्तों क्यों, क्योंकि शेरशाह का टाइम मुगलों के समय से ही था, क्योंकि शेरशाह की जो जंग लगी थी दोस्तों मुगलों के टाइम पर ही थी, तो इससे लगे थोड़ा सा अलग है दोस्तों, तो शेरशाह से संबंधित बात की बात करेंगे हम। ये सूर्यवंश का शासक था दोस्तों शेरशाह, शेरशाह पाली निमार पे, तो शेरशाह पाली निमार पे की बात मैं करता हूँ। सूर्यवंश का शासक अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मकबरा पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसका मकबरा बिल्कुल बहुत बार क्वेश्चन का आपने देखा होगा, मकबरा हमारा रहेगा इसका सासाराम बिहार में, इसका मकबरा बहुत बार पूछा जाता है, इसका मकबरा रहेगा सासाराम बिहार में, ठीक है दोस्तों, बहुत बार एसएससी होता है एसएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो ना सासाराम का मकबरा दोस्तों चारों ओर से पानी से घिरा है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है सासाराम का मकबरा तो है, जिस तरीके से हम कहते हैं दोस्तों रानी का तालाब अपने हरियाणा में जींद में चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसी तरीके से सासाराम में जो शेरशाह का मकबरा ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ठीक है। उसके बाद इसकी अगली मंजिल की बात, अगली किले वगैरह की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें बना था एक और ताजगढ़ का किला, दो ताजगढ़ का किला इसने बनवाया था, दो ताजगढ़ का किला, उत्तर पश्चिमी प्रांत में दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांत ठीक है, राजपुर का किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद अगला बात किला एक ऊना, किला एक ऊना का निर्माण हुआ था इसमें दिल्ली में, किला एक ऊना इसका निर्माण करवा था इसमें दोस्तों दिल्ली में। अगर किसी को कोई डाउट हो दोस्तों साथ सप्लीमेंट करते रहना, किसी को कुछ पूछना भी है तो ठीक, और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, एक सेकंड दोस्तों मैं भी शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दें लिंक को कर दे एक बार भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपकी याद एचएसएससी एग्जाम्स को देखते हुए। शेयर कर